अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी की अध्यक्षता में लियाकत प्रधान व उनके परिजनों सहित द्वितीय पक्ष आयोग में उपस्थित रहे और दोनों पक्षों की संयुक्त वार्तालाप में सुलह समिति पर दोनों पक्ष तैयार हुए। साथ ही मौके पर उपस्थित क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों में सुलह समझौता संबंधी वार्ता हुई और जिसमें कि आगे की रणनीति तैयार की जा रही, जिस प्रकार से हो सकेगा संवैधानिक रूप से कार्य होगा। वही लियाकत प्रधान ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, साथ ही संवैधानिक रूप से जो सही फैसला होगा हम मानने को तैयार हैं, लेकिन यदि हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया तो हम हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और उनका आरोप है कि जिस प्रकार से पूर्व में पुलिस के अधिकारियों द्वारा हमको और हमारे परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाने का कार्य किया गया वह निहायत ही शर्मिंदा पूर्ण है, और हम वार्ता में यदि संवैधानिक रूप से न्याय उचित फैसला लिया जाता है तो हम तैयार हैं, अन्यथा शासन प्रशासन स्तर पर हम संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। गबन कभी नहीं हुआ है, उसको भी गुंडा एक्ट में उन्होंने लाद दिया है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को माना है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। संभवतः अब 10 तारीख आगे लगाई गई है, इस बीच में यह भी हिदायत दी गई है कि दोनों पक्ष मिलकर समझौता कर लें, जिससे कि सिस्टम से लड़ाई लड़ना भी उचित नहीं है और सिस्टम बना रहे, ये बात आज हुई है। आयोग में दूसरी बैठक है आपकी, आप लोग दूसरी बार बुलाए, ये तीसरी बैठक है, तीसरी बैठक है, क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही है कि आप अध्यक्ष महोदय बोले हैं कि इसको जो है व्यक्तिगत रूप से बैठ करके निपटाया जाए, और प्रधान जी के बच्चों के साथ गलत हुआ है। क्या मुकदमे वापस होंगे? हाँ, मुकदमे कुछ वापस भी होंगे, और इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो भी ये वापस लेंगे। समझौते में दोनों पक्षों को झुकना ही पड़ेगा, एक दूसरे से मिलकर के इसको समझौता करें। लेकिन आप तो ये बात कह रहे हैं सरकारी जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा है, तो दोनों पक्ष कैसे बैठ के इस बात को समझौते में ले सकते हैं? वो प्रक्रिया अलग है और ये प्रक्रिया अलग है। अगर भू माफियाओं कब्जा है तो पुलिस खुद देखेगी अलग से, इनका कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। जो मुकदमे पुलिस के खिलाफ इन्होंने किए हैं वो ये वापस लेंगे, इनके खिलाफ पुलिस ने किए। अल्पसंख्यक आयोग में तीन बार तलब हो चुके हैं, जो अधिकारी गलत पाए गए हैं, और इस विषय को लेकर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। चेयरमैन साहब से हमारी वार्ता हुई है, चेयरमैन साहब ने कहा है कि कुछ ये झुके कुछ तुम अपनी बात रखो, ये मामला हम तुम्हारा निस्तारण करेंगे। उसमें 10 तारीख लगाई गई है। सम्मानजनक ये मामला अगर बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, इसमें देखेंगे सोचेंगे, सोच कर जो है हमने चेयरमैन साहब को कहा है कि हम आपको साथ। क्या मामला था आखिर? आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुसार, जो मैं वर्तमान प्रधान था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जो भू माफिया है वहाँ के कई सौ करोड़ की धरती, जो इनके द्वारा उन माफियाओं दबाए गए, वे माफिया आज लखनऊ में ये लेकर आए हैं अपने साथ में उन लोग माफियाओं को, जो और फर्जी बैंकों से लोन लिए गए, धरती तीन तीन बीघे है, तीस तीस बीघे की वो करा है। ये मामला है और इसको हम लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ठीक है, 10 तारीख इसमें लगी है। और बाकी कहा है, जब आपने ये आवाज़ उठाई तो आपको किस तरीके से प्रताड़ित? मैं तो मुझको हर तरह पर वो किया गया, इन माफियाओं से तरह तरह तहरीर ली गई है, तरह तरह लोगों से तहरीर ली गई है, तरह तरह लोगों से तहरीर लेकर अपने बचाव के लिए गई। भाई तो पब्लिक का मामला है, हमारा पब्लिक से क्या झगड़ा है? ना हमारा पब्लिक से झगड़ा था, ना प्रशासन से झगड़ा था। हम तो प्रधान होने के नाते सरकारी भूमि को बचा रहे थे, और उस बचाने में जो है हमारे पर फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं। ग्रामीण बैंक से जो है जो लोन लिए गए हैं फर्जी, उनकी रिकॉर्ड कटवा जाए, उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। वे माफिया है, गुंडे कई कई बार में जेल जा चुके हैं, कट्टों में, गाय कसी में, मोटर चोरी में, काश किसानों के मोटर खोलते हैं रात को, और नाम के हज्जी बनते हैं कि बहुत बड़े हम हज्जी हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए? वे जो है चोर जो है सबसे जुड़े हैं, उनका काम नहीं, आप किसी राजनीतिक पार्टी? नहीं, मैं किसान किसान यूनियन से, मतलब जो है इससे हूँ। ठीक है, थैंक यू।